हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश पोएट्री सेक्शन चैप्टर नंबर 11, जिसका नेम है फॉर एने ग्रेगरी बाय विलियम बटलर ईस्ट। फर्स्ट स्टैंजा है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। इस पोएम को एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है और ये पोएम दो पर्सन्स के, दो पीपल के बीच में डायलॉग्स है। फर्स्ट एने ग्रेगरी और अनदर पर्सन है स्पीकर, जिसकी आइडेंटिटी को इस पोएम में क्लियर नहीं किया गया। वो कोई भी हो सकते हैं, स्पीकर एने के लवर हो सकते हैं या फिर फ्रेंड हो सकते हैं या फिर पोएट हिमसेल्फ। सो ये पोएम जो है, इसमें जो स्पीकर हैं वो एने को एड्रेस करते हुए बताते हैं कि उनका जो ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर है, जो उनका इतना प्यारा और खूबसूरत बाल है, उसके वजह से कोई भी उनसे प्यार में पड़ सकता है। एनी मैन फॉल इन लव विथ हर, और ये जो लव है एने के लिए वो उसके इनर ब्यूटी के लिए नहीं है, वो उसके एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए है। और कोई उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के कोई इंसान उसके प्यार में पड़ सकता है। एने का जो हेयर है वो इतना ज़्यादा गॉर्जियस है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सिल्की एंड शाइनी है। उसको कंपेयर किया गया है एक वॉल से, उसको सिंबलाइज करता है कि जो आउटर ब्यूटी है, जो मैन की या वुमेन की आउटर ब्यूटी होती है, वो प्रिवेंट करती है, वो रोकती है किसी को इनसाइड देखने के लिए। जैसे वॉल बनाई जाती है, उसके नेक्स्ट पार्ट को कोई नहीं देख सकता, वॉल को देखने के बाद उसके अंदर का पार्ट कोई नहीं देख सकता। सेम ईयर है कि अगर हम किसी की एक्सटर्नल ब्यूटी को देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, तो फिर हम उसके इंटरनल ब्यूटी की तरफ ध्यान नहीं देते या फिर हम उसकी इंटरनल ब्यूटी को नहीं देख पाते। सो इस एक्सटर्नल ब्यूटी को एज अ वॉल सिंबलाइज किया गया है। और इस पोएम में बताया गया है कि ये जो ब्यूटी है, ये किसी भी मैन का अटेंशन कैप्चर कर सकती है, किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इसी के वजह से कोई इंसान उस एक्सटर्नल ब्यूटी में ही बाउंड होके रह जाता है, मतलब उसके बियॉन्ड वो नहीं जा पाता, उसके बियॉन्ड नहीं देख पाता, और उसका मैन जो है वो एक्सटर्नल ब्यूटी में ही रह जाता है और इंटरनल ब्यूटी की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। और ये जो है, इसमें स्पीकर जो है वो बिलीव करते हैं कि कोई भी इंसान जो एने को लव करेगा, जो एने से प्यार करेगा, वो उसके इंटरनल ब्यूटी के लिए नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो इंटरनल ब्यूटी है उसको वो देख नहीं पाएगा और फिर वो उसके एक्सटर्नल ब्यूटी में ही प्यार में पड़ा रहेगा और फिर वो उसके ब्यूटीफुल येलो हेयर, हनी कलर्ड हेयर और उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी में ही रह जाएगा और वो पर्सन जो एने है उसके लिए प्यार नहीं कर पाएगा। सेकेंड स्टैंजा है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर्स देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। इन प्रीवियस स्टैंजा जो स्पीकर थे वो एने को बता रहे थे कि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके हनी कलर्ड हेयर इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि कोई भी पर्सन उसको देखने के बाद उसके ब्यूटी में पड़ सकता है, उसके लव में पड़ सकता है, उससे प्यार कर सकता है। फिर इस स्टैंजा में एने कहती है कि जो विजिबल है आउटसाइड से, मतलब जो बाहर से दिखता है, वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होता है और वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। आई मीन जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। एने स्पीकर को बता रही है कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होती है। वो एक एग्ज़ाम्पल देती है अपने ब्यूटीफुल हेयर का, अपने वो बालों के बारे में बताती है, क्योंकि सब उसके बाल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, सब कहते हैं कि तुम्हारा हनी कलर्ड हेयर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो कहती है कि वो अपने हेयर कलर को चेंज करती रहती है और उनको डाई करती रहती है, ब्लैक करती है, कभी ब्राउन करती है, कभी कैरेट कलर करती है, और जैसे उन बालों के कलर में चेंजेस वो लाती रहती है या फिर जो उसका हेयर कलर है वो चेंजेबल है, सेम
जो आउटर ब्यूटी होती है, जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा चेंजेबल होती है। ये टाइम के साथ साथ फेडेड होती चली जाती रहती है। जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है वो टाइम के साथ साथ घटती चली जाती रहती है, और इसी वजह से वो ट्रू ब्यूटी नहीं होती किसी भी पर्सन का। वो चाहती है, एने चाहती है कि स्पीकर जो है या फिर कोई भी जो उसके प्यार में पड़े वो उसकी एक्चुअल ब्यूटी को देखे, या फिर वो उस एक्सटर्नल ब्यूटी के अंदर जो एक्चुअल पर्सन है, वो जो इंटरनल ब्यूटी वाला पर्सन है, या फिर हमें किसी की इंटरनल ब्यूटी देखनी चाहिए, एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी टाइम के साथ फेडेड होती चली जाती रहती है। एने को लगता है कि द मैन द पर्सन मस्ट लव हर फॉर वॉट शी इज़ एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर एंड आउटर अपीयरेंस। मतलब अगर कोई भी पर्सन उसको एडमायर करे, उससे प्यार करे, तो नॉट फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी या फिर उसके अपीयरेंस के लिए उससे ट्रू ब्यूटी करे, और या फिर द वे शी इज़ उससे प्यार करे। लास्ट स्टैंजा है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टरनाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. इस स्टैंजा में जो स्पीकर हैं वो एने के स्टेटमेंट को अबाउट द लव फॉर इंटरनल एंड नॉट फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी, इस स्टेटमेंट का रिप्लाई करते हैं। जो एने कहती है कि किसी भी पर्सन को किसी भी के भी इंटरनल ब्यूटी को देखना चाहिए, नॉट एक्सटर्नल ब्यूटी या फिर अपीयरेंस को, तो फिर जो स्पीकर हैं वो रिप्लाई करते हैं, मेंशन करते हैं कि उनको एक ओल्ड और बहुत रिलीजियस मैन मिले जिन्होंने अनाउंस किया, उनको पिछली रात एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंड रिलीजियस मैन मिले जिन्होंने अनाउंस किया कि उनको एक टेक्स्ट मिला जिसमें लिखा था कि सिर्फ गॉड, ओनली गॉड, सिर्फ गॉड जो है वो कैपेबल है किसी की भी एक्सटर्नल ब्यूटी के बियॉन्ड देखने के लिए, मतलब किसी की भी इंटरनल ब्यूटी को पहचानने के लिए, जानने के लिए। यहाँ पे स्पीकर का मतलब है कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके पास इतनी डेप्थ नहीं है या फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो किसी के सोल को पहचान पाएँ, किसी के इंटरनल ब्यूटी को, किसी भी पर्सन का जो अंदर का पर्सन है, जो मेन सोल है, उसको जान पाएँ। ह्यूमंस जो हैं हमेशा एक्सटर्नल ब्यूटी, शाइन और ग्लिटरिंग, ये जो चमक होती है, इन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं, या फिर जो आउटर ब्यूटी होती है और जो दिखावा होता है इसी के पीछे पड़ जाते हैं, और वो केयर नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते कि वो उस पर्सन के जो ब्यूटीफुल अपीयरेंस है या फिर जो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है उसके बियॉन्ड उसको समझ पाएँ या फिर उसको उसके इंटरनल सोल को पहचान पाएँ। इसी वजह से जो स्पीकर हैं वो कंक्लूड करते हैं कि सिर्फ गॉड, सिर्फ जो गॉड है वो ही लव कर सकते हैं एने को उसके लिए, इन द वे शी इज़, नॉट फॉर हर ब्यूटी। नाउ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी, ये जो पोएम है इसके जो पोएट हैं विलियम बटलर ईस्ट, इन्होंने इस पोएम के थ्रू जो लव के परसेप्शंस होते हैं बाय द डिफरेंट पर्संस, बाय द डिफरेंट पीपल, इसको बताने की कोशिश की है। ये जो पोएम है ये डायलॉग के फॉर्म में है बिटवीन टू पीपल्स, फर्स्ट इज़ एन ए ग्रेगरी एंड अनदर वन इज़ स्पीकर, जिसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं की गई, वो कोई भी हो सकते हैं, लवर, फ्रेंड, हस्बैंड, एनीवन। ये जो पोएम है ये शो करती है, ये बताने की कोशिश करती है ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमंस, और उनको कैसे आउटर ब्यूटी के पीछे पड़ जाते हैं वो, या फिर वो एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ ध्यान देते हैं और वो किसी भी पर्सन को की इंटरनल ब्यूटी की तरफ ध्यान नहीं देते, और वो ऐसी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जो इनसिग्निफिकेंट होते हैं या फिर जो नॉट इम्पॉर्टेंट होती है या फिर जो टाइम के साथ फेड हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, और वो
ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन की तरफ, मतलब किसी भी पर्सन का जो ट्रू नेचर है, एक्चुअल नेचर है, उसकी तरफ अटेंशन नहीं देते। मैन जो होते हैं वो हमेशा वुमेन्स को जज करते हैं बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस और उनकी ब्यूटी के वजह से, और जो आउटसाइड की ब्यूटी है, नॉट फॉर हर इंटरनल ब्यूटी। पोएट इस पोएम के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनर ब्यूटी है वो रियल ब्यूटी है, और फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो चेंजेबल होता है, और इसी वजह से वो अनइम्पॉर्टेंट है। जो पहले स्पीकर हैं वो एने को कहते हैं कि कोई भी यंग मैन उनसे प्यार कर सकता है फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर एंड हर एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड ब्यूटी, और उसके इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार नहीं कर सकता। मतलब कि वो जानने की कोशिश ही नहीं करेगा उसके इंटरनल ब्यूटी के बारे में। तो इस पोएम का, इस वर्ड का, इस स्टेटमेंट का एने रिप्लाई करती है कि जो उसका हेयर कलर है वो चेंजेबल है, इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो सुपरफिशियल है, और उसके वजह से किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चेंजेबल है और वो अनइम्पॉर्टेंट है, और वो टाइम के साथ ख़त्म हो सकती है या फेडेड हो सकती है। और एने के रिप्लाई के साथ जो पोएट हैं उन्होंने क्लियर किया है प्रिफरेंस फॉर इंटरनल ब्यूटी ओवर फिजिकल अपीयरेंसेस। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।